वीकेंड हो या फिर हॉलीडे, हम लोग चिल आउट करने के लिए कोई सुकून सी जगह चॉइस करते हैं। और अभी हाल ही में रिसॉर्ट का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, तो ऐसे ही कोलकाता के अंदर बहुत ही नज़दीक एक रिसॉर्ट के बारे में बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, द विलेज रिसॉर्ट। तो मैं इस रिसॉर्ट को विजिट किया था 3 बार, अक्टूबर में और नवंबर में। इस रिसॉर्ट का रूम रेट वेरिएबल है, ये आपका वीकेंड और ओकेशन के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि मैं पुराना गेस्ट हूँ इन लोगों का, तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला था। तो आप लोग जब आएंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आइएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो भी रेट है वो आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ का कुछ स्पेशल अट्रैक्शन यह है कि यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स है, मतलब काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है जो आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलेगा, या फिर वो लोग पहले से भी बोल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका इस होली में भी शायद इवेंट होगा, या फिर उसके पहले जैसे कि आपका न्यू ईयर का इवेंट हुआ था। अगर आप चाहें यहाँ पे छोटा मोटा पार्टी भी कर सकते, कोई भी आपका खुद का कोई ओकेशन हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते, ये लोग पूरा अरेंज कर देंगे। तो इसके लिए आप इन लोगों से एक बार बात कर लीजिएगा कि क्या रेट है, उन लोग कैसे कैसे आपको सर्विस देंगे, ये सब कुछ। फिलहाल तो इन लोगों के पास 7 रूम सर्विस में है, जिनमें से 2 है क्लासिक रूम और 5 है डिलक्स रूम। अभी होली फेस्टिवल के लिए क्लासिक रूम का रेट है 1880 रुपये। रूम में एंटर करने के साथ साथ आपको यहाँ पे सारे जो फर्नीचर होंगे, जैसे कि टेबल या फिर अलमीरा जो भी है, सब कुछ बैम्बू का बना हुआ दिखेंगे। और ये जो बेड है, ये बेड में आप आराम से 2 लोग तो सो ही सकते हैं, 3 जन भी सो सकते हैं, इसका ऑप्शन भी है इन लोगों के पास। और ये सभी रूम एसी है, और इनका जो वॉशरूम है ये भी काफ़ी साफ सुथरा है। जैसे कि यहाँ पे एक मिरर भी है, इसके अंदर आप कोई भी कपड़ा वगैरह जो भी है रख सकते हैं, ये एक कबर्ड है। और इनका जो डिलक्स रूम है वो भी लगभग सेम ही है, कुछ फर्निश्ड अलग से किया गया है। मुझे इस रूम का रेट पड़ा 1400 रुपये, और एक बार पड़ा था 1200 रुपये, जो कि डे बाय डे वेरी करता है। तो ये बात करते हैं यहाँ के खाने की। जो इन लोगों का इन हाउस किचन है, यहाँ पे बहुत सारे खाने मिलते हैं, जिसका मेनू तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊँगा। और अगर रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे खाने का रेट ठीक ठाक सा है, मतलब नॉर्मल है, मगर टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आप बाहर से ला सकते हैं, ये अलाउड है, कपल फ्रेंडली है, और इन लोगों के पास स्पेशल हुक्का भी है। तो अगर आप फैमिली लेके आते हैं और अगर आपके साथ कोई बच्चा है, तो उनके लिए ये स्पेशल जगह है जहाँ पे वो पूरा दिन मज़े कर सकते हैं। और नाइट में, मतलब रात के टाइम, इस जगह का व्यू काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि एक सुकून मिलेगा आपको अगर आप यहाँ पे 1 नाइट स्टे करते हैं। इस रिसॉर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे इतना ही देना था। इन लोगों का चेक इन टाइम 12 बजे से है और चेकआउट 11 बजे।